हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्रूड का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्रूड बंद हुआ है 8078 पे, लगभग 170 रुपए गेन के साथ, 2.15% अब। तो यहाँ आप मंथली चार्ट पे देख सकते हैं कि हमने एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट देखी थी, उसके बाद में सेल ऑफ भी देखा था, मगर नीचे के लेवल से फिर से जो है तो यहाँ बाइंग वापस आ रही है क्रूड में। और ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हम फिर से जो है तो 10,000 के टारगेट यहाँ क्रूड दिखा सकता है, तो और उसके ऊपर भी जा सकता है। मंथली चार्ट बुलिश है, जिस तरह से हम नीचे के लेवल से रिकवर हो चुके हैं, तो यहाँ क्लियरली नीचे के लेवल पे जो है तो डिमांड है क्रूड के लिए। और यहाँ फिर से एक अच्छे खासी कंटिन्यूशन पैटर्न ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है मंथली चार्ट पे। यहाँ ऊपर आप देखोगे तो जो टारगेट थे वो सभी टारगेट अचीव हो चुके हैं। अभी यहाँ जो है तो ये बाउंस बैक या कंटिन्यूशन पैटर्न बोलिए, ये लगभग फिर से 8,500-9,000 और उसके ऊपर के लेवल आपको जो है तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म में दिखा सकता है। तो मंथली चार्ट बुलिश है, यहाँ अगर डीप आता है या करेक्शन आता है तो हम जो है तो 6,400 तक और उसके बाद 4,500 तक की भी लेवल देख सकते हैं इन लॉन्गर टर्म। अभी फिलहाल के लिए अप ट्रेंड है तो वही कंटिन्यू रहेगा। तो वीकली चार्ट पे देखोगे आप तो हमने एक इस साल जो है तो अच्छी खासी रैली शुरू की थी, बुलिश सुपर बुलिश सभी टारगेट अचीव किए, उसके बाद में एक करेक्शन दिया। करेक्शन देने के बाद R2 के अराउंड सपोर्ट लेने के बाद अभी यहाँ बाउंस बैक कर रहे हैं। वीकली चार्ट बुलिश है प्राइस वाइज इंडिकेटर वाइज, और हो सकता है कि हम जो है तो फिर से जो पिछला टॉप था 10,000 या फिर उसके ऊपर भी एक हाई लगा के आ सकता है क्रूड। तो मीडियम टर्म भी व्यू जो है क्रूड का बुलिश है, और जैसे ही हम इसके ऊपर चले जाएंगे तो ये लेवल है लगभग 8,200 का पकड़ के चलिए, उसके ऊपर अगर क्रूड सस्टेन करता है वीकली और डेली क्लोजिंग बेसिस पे तो आपको एक सुपर बुलिश रैली देखने को मिलेगी, जिसमें जो है तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर जो है तो वो शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आएंगे, और उस हालत में आपको 9,200 और 10,000 के टारगेट एक मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ आपको 8,200 क्लियरली वॉच करना है, उसके ऊपर जो है तो 9,200 और 10,000 के टारगेट फिर से ओपन हो जाएंगे क्रूड के लिए। और करंटली वीकली चार्ट बुलिश है, तो यहाँ मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो बाय ऑन डिप्स रहेगी विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, या वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहेगी तो इतना ईजी नहीं होगा ट्रेड करना। आपको दिन में 300-400 पॉइंट हिलते हुए दिखेगा क्रूड, तो इतना ईजी नहीं रहेगा छोटे ट्रेडर के लिए जो है तो क्रूड में एंट्री एग्जिट बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहेगी, और यहाँ लॉसेस हो सकते हैं। तो जो जिनके पास रिस्क प्रोफाइल है, रिस्क लेने की पोटेंशियल है, वही ट्रेड कीजिए, वही लोग जो है तो ट्रेड कर सकते हैं, बाकी जो है तो वेट ऑन वॉच कीजिए। यहाँ जो है तो आपको न्यूज़ फ्लो पे बहुत ही ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी मार्केट में। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो हमने वीक शुरुआत की थी नीचे जो है तो हमने 7,000 के लेवल देखे, वहाँ जो है तो S1 के अराउंड सपोर्ट लेने के बाद अभी जो है तो हम पीओट की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ 8,300 और 8,500 ये मुझे लगता है कि अगले हफ्ते के लिए टारगेट रहेंगे। यहाँ मेरा बाय ऑन डिप्स व्यू रहेगा क्रूड पे, हम बाइंग करेंगे डिप्स पे। यहाँ मेजर सपोर्ट जो है तो 7,550 के अराउंड है, तो उसके अराउंड हमें क्रूड मिलता है तो हम एक लॉन्ग ट्रेड बना सकते हैं क्रूड में, 7,550 से लेकर 7,650 इस रेंज में आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 7,400 और टारगेट रहेंगे आपके 8,300, उसके बाद में 8,550। तो ये दो टारगेट के लिए हम एक स्विंग ट्रेड अगले हफ्ते बना सकते हैं। अगर हम 8,600 के ऊपर निकल जाते हैं तो आपको 9,300 के भी टारगेट जो है तो क्रूड दिखा सकता है। यह हो सकता है कि जिस तरह से अभी डेली चार्ट पे प्राइस पैटर्न और इंडिकेटर पैटर्न है, हम जो है तो एक रेंज में घूम सकते हैं। ऊपर वो रेंज का ऊपरी हिस्सा होगा 9,000 और निचला हिस्सा होगा 7,000, तो 7,000 और 9,000 इसके बीच में जो है तो मार्केट मूव कर सकता है बहुत दिनों तक। तो यहाँ अभी जो है तो अभी जो कोशिश चल रही है हमारी ऊपर की रेंज तक जाने की, तो यहाँ 9,000-9,300 तक भी क्रूड जा सकता है। यहाँ हमने बॉटम बना चुके हैं 7,000 पे, अभी यहाँ जो है तो टॉप बनने के लिए क्रूड कोशिश कर रहा है और उसके तरफ बढ़ रहा है। तो 9,000-9,300 आपको जो है तो शायद एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली आती है तो
तो अगले हफ्ते आपको वो भी लेवल देखने को मिल सकती है। मगर फिलहाल जो है तो मेरा कंजर्वेटिव टारगेट रहेगा 8,300 और उसके बाद में 8,550, और हम डिप्स पे बाय करेंगे। निचले लेवल पे 7,650 ये मेजर सपोर्ट जोन है, उसके अराउंड हम लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस 7,400, टारगेट 8,300, 8,550 ये अगले हफ्ते के लिए मेरा ट्रेड रहेगा। तो क्रूड पे यहाँ शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है, शॉर्ट कर सकते हो मगर इंट्राडे में पोजिशनल शॉर्ट बिल्कुल कैरी नहीं कर रहे, क्योंकि आपको जो है तो कभी भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है ऑन न्यूज़ फ्लो, और उसमें अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो यहाँ शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है, ट्रेंड के साथ रहना है। यहाँ रिकवरी का ट्रेंड है तो हम ऊपर के ही टारगेट रखेंगे। तो आई होप सो कि जो एनालिसिस ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट कमोडिटी कॉल चाहिए ऑन व्हाट्सएप विद द लाइव मार्केट सपोर्ट और फॉलोअप, तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.